नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे 72 सालों के बाद बना दुर्लभ महाशुभ संयोग। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 22 जुलाई से 19 अगस्त यानी कि श्रावण के महीने में ये 6 राशियां होंगी मालामाल। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से 22 जुलाई से 19 अगस्त यानी कि सावन माह के इस महीने में बन रहे दुर्लभ महाशुभ संयोग 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। भगवान भोलेनाथ 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इन राशि वालों को 22 जुलाई से 19 अगस्त यानी कि सावन के महीने में मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। यूँ कहें कि ये 6 राशि वाले होंगे मालामाल। दोस्तों ये भाग्यशाली 6 राशियां कौन कौन सी है जो कि 22 जुलाई से 19 अगस्त यानी कि सावन के महीने में धन से मालामाल होने वाली है। करोड़ों का धन इन 6 राशि वालों को मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको उन्हीं 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों भगवान शिव का प्रिय महीना सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये महीना पांचवा महीना होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस साल सावन मास 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर इस समय रहने वाली है। आइए जानते हैं कि सावन के महीने का ये जो खास संयोग बन रहा है, इस माह भगवान शिव की उपासना आप कैसे करें। दोस्तों हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। इस बार सावन की शुरुआत 22 जुलाई से होगी। इस दिन सुबह से शाम तक प्रीति योग रहेगा। सावन माह 19 अगस्त को संपन्न होगा। सावन की शुरुआत और समापन सोमवार से होना दुर्लभ संयोग है। आपको बता दें 72 साल बाद सावन में ऐसा योग बन रहा है जिसमें सावन की शुरुआत और अंत भी सोमवार से हो रही है। इस बार सावन माह 29 दिनों का होने वाला है। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा 12 अगस्त और पांचवा व अंतिम सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। पिछले साल सावन में 8 सोमवार पड़े थे, ऐसा अधिक मास होने से हुआ था। चातुर्मास भी 4 की जगह 5 माह का रहा था। सावन के महीने में प्रत्येक दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनें। इसके बाद मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं, भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, सभी देवताओं का जल अभिषेक करें, दूध और गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, भगवान शिव को फल और फूल अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और भगवान शिव की आरती करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं
और भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार सावन यानी कि 22 जुलाई से 19 अगस्त के बीच में जो समय इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। ये 6 राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में राशियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि राशियों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय के बारे में पता लगाया जा सकता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर कुछ राशियों पर पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे और बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यदि ग्रहों की दशा ठीक हो तो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का वास होता है, लेकिन यदि ग्रहों की दशा ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार सावन माह में दुर्लभ महाशुभ संयोग बनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा अब 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर पड़ने वाली है और इन 6 राशि वालों को जीवन में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। बहुत भाग्यशाली समय सावन माह का होने वाला है। इस राशि के लोगों को अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, जिसकी वजह से इन 6 राशि वालों के जीवन में खुशियां आएंगी। तो आइए समय न गवाते हुए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस सावन में रहने वाली है। ये छः राशि वाले मालामाल होने वाले हैं। पहली खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है जिस पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने वाले हैं दोस्तों, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें, भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर इस समय में अत्यंत मेहरबान रहने वाले हैं। जी हाँ, पिछले समय में ही आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं थी वे अब समाप्त होने वाली है। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहने वाला है। आप लोग खुशी जीवन बिताने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। कन्या राशि वालों, आपको चारों तरफ से अब धन लाभ प्राप्ति के योग हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने बिजनेस में लाभ मिलेगा, साथ ही साथ नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर पड़ रही है। आपको इस सावन माह का आप भरपूर लाभ उठाएं, इस समय आपके पक्ष में है। समय को हाथ से ना जाने दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दूसरी भाग्यशाली राशि आती है जो सावन माह में मालामाल होने वाली है दोस्तों, वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर इस समय में सावन माह में बहुत अधिक बनी हुई है। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और बहुत अधिक प्रसन्न रहने वाले हैं, जिसके कारण इस राशि के लोग देखेंगे कि आपके आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। सरकारी नौकरी के इच्छुक जातकों को सरकारी नौकरी का भी शुल्क प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ इस राशि के लोग नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वे दूर होने वाली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर मेष राशि वालों बनी हुई है। प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम में सफलता मिलेगी और आपके लिए जो श्रावण मास का समय है बहुत ही भाग्यशाली समय भी साबित होने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, समय को हाथ से ना जाने दें। मेष राशि वालों, चारों तरफ से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। खुशी आपको प्राप्त होने वाली है, जिससे आप अपना जीवन में आनंदमय व्यतीत करने वाले हैं। तीसरी राशि आती है जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है दोस्तों, वो है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें, ये जो सावन मास का महीना है आपके लिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होगा। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनी हुई है, जिसके कारण आपको अब चारों तरफ से फायदे मिलने वाले हैं। आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली हैं, कहना गलत नहीं होगा। यही समय तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें, आपको अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। जो जातक विदेश में जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, वो सपना इनका पूरा हो सकता है। साथ ही साथ आपकी पढ़ाई में मन
लगेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जैसे वेतन वृद्धि के योग रह सकते हैं, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आप यात्राएं भी कर सकते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। तुला राशि वालों, आपको घर परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिलेगा, संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा, चारों तरफ से खुशियाँ आपको तुला राशि वालों इस सावन मास में मिलने वाली है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सबसे अधिक बनी रहेगी। समय का लाभ उठाएं, समय को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आपको अब सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये समय तुला राशि वालों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। इस लिस्ट में जो चौथी खुशनसीब और भाग्यशाली राशि आती है, जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा इस सावन मास में पड़ने वाली है, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर इस सावन मास में पड़ने वाली है, जिसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का भी मौका प्राप्त हो सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में लगने वाली है। अचानक से कुंभ राशि वालों, आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग बन रहे हैं। आप चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अब लाभकारी समय साबित होगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप विचार करेंगे कि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित हो रहा है। ऐसा समय आपको आपने कभी अनुभव भी नहीं किया होगा, क्योंकि चारों तरफ से कुंभ राशि वालों आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपको इस समय यात्राएं भी करनी पड़ सकती है जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। यात्राएं आपके लिए सफल साबित होगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, ये नौकरी से संबंधित वेतन वृद्धि में योग हो सकते हैं, पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना भी इनका पूरा हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कुंभ राशि वालों, भगवान शिव की विशेष कृपा सावन मास में आपके ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आप चारों तरफ से अनुभव करेंगे कि आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त हो रही है। ये समय आपके लिए पक्ष में रहेगा। समय का लाभ उठाएं, समय को हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। आपको बता दें, सावन मास में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ आपके अटके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में खुशियां होंगी। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी नौकरी के क्षेत्र में प्रयास जो चल रहा है, नौकरी प्राप्त करने को लेकर, वो प्रयास सफल होगा। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही नौकरी में प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है। कहना गलत नहीं होगा मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। आपको बता दें, सावन मास आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझाने के साथ ही आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अनेक संकेत मिल रहे हैं। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये सावन मास आपके लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। दोस्तों,
ये सावन मास आप सभी के लिए शुभ होगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।